नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपकी साथ सुकन्या सिंह। बीजेपी का प्लान बिहार शुरू हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी, जो अब तक बीजेपी के लिए नॉट सो इम्पोर्टेंट बने हुए थे, उनको वाई प्लस सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या हम यूं कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से मिल गई है, जिसके बाद बड़ा सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या मुकेश सहनी एक बार फिर से बीजेपी के लिए वीआईपी हो गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या बिहार के सिंगल एंड रेडी टू मिंगल नेताओं पर बीजेपी ने नजरें इनायत कर दी है। उनमें पहला नाम मुकेश सहनी का आ गया है। विज्ञान जी वीवीआईपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी की तरफ से संतोष पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही विनीत जी भी एलजेपीआर की तरफ से जुड़े हैं, और आदिल एआईएमआईएम की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले विज्ञान जी से बातचीत करते हैं। विज्ञान जी, क्या कहेंगे, सिक्योरिटी मिल गई मुकेश सहनी की? ये वही मुकेश सहनी है जिसके बारे में बीजेपी क्या क्या नहीं कहा करती थी 6 महीने पहले? कैसे देखते हैं पूरे मामले को? असल स्थिति है जो बिहार की परिवेश में जो अभी स्थितियां बनती है, जैसे आपने देखा सच को सच कहने का साहस मुकेश सहनी में है। मुकेश सहनी जी सच को सच कहते हैं, जैसे आपने देखा कांटी में जो कांड हुआ, जो निषाद का हत्या हुआ उस पर बोलते रहे, अभी छपड़ा में कांड हुआ उस पर बोलते रहे। ऐसी परिस्थितियों में जो मुखालफत करने वाले लोग हैं, जो बागी तेवर के लोग हैं, उनको देखना उस नजरिया से देखते हैं कि मुकेश सहनी ही है जो किसी न किसी स्थिति को सच कहने का साहस रखता है। ऐसी परिस्थिति में यदि बीजेपी ने उनको डेट सुरक्षा की दिया है तो कोई गलत नहीं किया है, पहले पहले ही मिलना चाहिए था। अब भी यदि दिया है तो निश्चित तौर पर ये न्याय संगत बात किया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विज्ञान जी मछली पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है, इसको क्या हम चारा समझें? आप लोग कैसे देखते हैं? हम इसको मछली पकड़ने के लिए चारा नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि बिहार में जो अमन चैन हो, इसके लिए अच्छे लोगों को जो सही बात सही समय पर कहने का हिम्मत रखता है उसको उसकी आवाज बंद नहीं कोई कर दे, इसके लिए उसने काम किया है। यदि बीजेपी ने इस काम को किया है तो हम निश्चित तौर पर वीआईपी की ओर से उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने सच कहने वाले की आवाज कोई बंद न कर दे, इसके लिए उसकी सुरक्षा की सारी व्यवस्था की है, इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। नहीं, बधाई तो आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, बधाई देना भी चाहिए, लेकिन जो बीजेपी ने ऑपरेशन वीआईपी किया वो सब भूल गए क्या? अब बीजेपी का सात खून माफ कर दिया आपने? देखिए, आदमी समय के अनुकूल चलता रहता है। परिस्थितियां आपने देखा है कितना करबटे लोग बदलते रहे हैं। आज यहाँ के मुखिया, बिहार के मुखिया की स्थिति देखिए, कितना कितनी बातें हुई है, पलटू जी से लेके कहां कहां तक नहीं सुनने को मिला है, पलटू चाचा से लेके कहां कहां तक। राजनीतिक भावनाओं का खेल है, आशाओं उम्मीदों की खेल है। बोछा में, जब बोछा में उपचुनाव हो रहा था तब आपके बोल कुछ और थे, कुर्नी बाई इलेक्शन में भी कुछ और बोल रहे थे, अभी आपके जो बोल थोड़े बदल गए हैं सर, नहीं जो विजिबल हमारे हमारे बोल नहीं बदले। उस समय की हुकूमत क्या थी, उस समय की स्थितियां क्या थी, उस समय बिहार का परिवेश में बिहार की स्थिति क्या थी, आज आपने देखा फतुहा में क्या हो गया, छपड़ा में क्या हो गया। कुशवाहा जी को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपने मुकेश सहनी जी को दे दिया, क्या समझा जाए? खेल शुरू हो गया बिहार में? नहीं सुकन्या जी, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है और इसका कोई बहुत निहितार्थ भी नहीं है। स्वाभाविक है कि कुछ सिक्योरिटी एजम्पशंस केंद्र सरकार को दिखाई पड़े होंगे और उसके आधार पर सिक्योरिटी रिव्यू करके ये सिक्योरिटी उनको दी गई होगी, और इस बात में भी कहीं कोई गुरेज की बात नहीं है कि स्वाभाविक तौर पर राजनीति जो है वो बेहद यथार्थपूर्ण परिस्थितियों पर चलती है सुकन्या जी। तो जो यथार्थ है उसके आधार पर हमको भी चलना है, अन्य दलों को भी चलना है। देखिए, हमारा मूल लक्ष्य क्या है, हम ये चाहते हैं कि बिहार में किसी भी प्रकार से जो लालू यादव जी का जो जंगल राज था उसकी पुनर्वापसी नहीं हो। नीतीश जी तो उसी के चेहरे थे, आज जब उस चेहरे को हम लोग धूमिल होते हुए देख रहे हैं, अपने आंखों के सामने मरते हुए देख रहे हैं, और बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं थी उनको जब हम एक प्रकार से भूमिगत होते हुए देख रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने भी क्या विकल्प है, हम क्या करें?
हम लोगों को तो जनता ने जो सवाल उपेन्द्र कुशवाहा जी ने उठाए कि आखिर वो डील क्या थी जिसके तहत ये महागठबंधन बना है, तो हम तो ये सवाल तो हम भी लगातार पूछ रहे हैं कि जनता की डील तो हमारे साथ थी 2020 में। जनता की डील छोड़िए, मुकेश सैनी के साथ क्या डील हो रही है ये बताइए ना सर। मैं उसी बात बना रहा हूँ। तो जो जनता की जो डील थी सुकन्या जी, वो तो हमारे साथ थी और नीतीश कुमार जी भी थे उसमें। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने वापस उसी जंगल राज की व्यवस्थाओं को स्वीकार कर लिया और आज के समय पर पूरे बिहार में क्या हो रहा है आपके सामने, जो तांडव हो रहे हैं, हजारों राउंड की फायरिंग हो रही है, लोगों का रोजाना मतलब अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसमें 1600 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं पिछले 6 महीने में। तो हमारा प्रयास ये है कि किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा यथार्थवादी दृष्टिकोण हम लोग बिहार के सामने रखें, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें और आने वाले समय में ये जो महागठबंधन नाम का जो ढकोसला बिहार में स्वार्थ लिप्त नेताओं ने बनाया है उसको बिहार में खत्म करना हमारा लक्ष्य है और हम उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, उसी दृष्टिकोण को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आदिल AIMIM की तरफ से जुड़े हैं, वो आपको काउंटर करेंगे, बोलिए आदिल। मैम, सबसे पहले तो राजद के लोगों ने हमारे MLA को तोड़ा और ये बात जून में तोड़ा, उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अख्तर उल ईमान साहब की सुरक्षा के लिए अमित शाह जी को, होम सेक्रेटरी को, DGP को, सबको लिखा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। क्योंकि आप जानते हैं हमारा भाजपा से भी हमारी हम आवाज उठाते हैं और यहाँ महागठबंधन के भी खिलाफ रहते हैं, जिसको बी टीम सी टीम बोलना है वो बोलते रहे, लेकिन अख्तर उल ईमान साहब के लिए बैरिस्टर साहब ने 2-2 बार चिट्ठी होम मिनिस्टर को लिखी है, लेकिन उस पर इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। जैसे नीतीश जी मुकेश सैनी पर मेहरबान है, 6 महीना से मंत्री का बंगला दिए हुए हैं, अब बीजेपी एक नया चीज दिया, अच्छी बात है, सुरक्षा देना चाहिए बीजेपी ने दिया इसको, आप जिस परिस्थिति से देख रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जिस आदमी ने आज महागठबंधन की तरफ से इतना खतरा है, हमारे MLA को तोड़ दिया गया, हम कुर्दी में चुनाव लड़े, हम गोपालगंज में चुनाव लड़े, हर दिन आप देख ही रहे राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से कितना हमला होता है, अब बीजेपी का तो हम खुली चेतावनी देते हैं, चाहे हरियाणा हो, भारत के किसी भी शहरों में हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे कल हमला हुआ आपने देखा, लेकिन अब बीजेपी को ये सोचना है कि हम केंद्र गृह मंत्री से मांग रहे हैं, हम बीजेपी से नहीं जानते, हम देश के गृह मंत्री से मांग रहे हैं, हम देश के गृह मंत्री से मांग रहे हैं, नहीं देश के गृह मंत्री से मांग रहे हैं, हम अमित शाह जी को नहीं जानते, हम तो देश के गृह मंत्री को जानते हैं कि भाई आप सुरक्षा दीजिए, जबकि इंटेलिजेंस से क्लियर हो चुका है, 6 महीना से पेंडिंग है, 2-2 बार जो इंटेलिजेंस के यहाँ के जो IG हैं उन्होंने भी केंद्र सरकार को लिख दिया है कि अख्तर उल ईमान साहब को सुरक्षा दिया जाए, लेकिन पता नहीं किस परिस्थिति में नहीं दे रहे हैं। मानते हैं आप मानते हैं कि आप अल्पसंख्यकों से प्यार नहीं करते, मुसलमानों से दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है, स्कॉलरशिप 38% इस बार बजट में कम कर दिए हैं, जो भी माइनॉरिटी का स्कीम है मानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आंख से आंख मिला के बोलते हैं, अख्तर उल ईमान साहब बोलते हैं, लेकिन कम से कम भारत के नागरिक हैं, बिहार के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतना तो ध्यान देना चाहिए भारत के गृह मंत्री को कि सुरक्षा दिया जाए, आप 40-40 विधायक को दिए हुए हैं। ठीक है, सवाल जायज है, अगर मुकेश सहनी को मिल सकती है तो अख्तर उल ईमान को क्यों नहीं, इस पर संतोष पाठक जी बोलेंगे, बोलिए। सुकन्या जी, जिस भाषा का प्रयोग असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं टीवी पर बैठकर, चैनलों पर बैठकर, अखबारों में उनके बयान छपते हैं, वैसी परिस्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि कोई फूल का माला लेके उनके पीछे घूमेगा, स्वाभाविक है। देखिए, देश लोकतंत्र, लोकतांत्रिक हमारा देश है, संविधान की पद्धति पर हम लोग को चलने वाले लोग हैं, तो जो व्यवस्था संवैधानिक दृष्टिकोण से आएगी वही ना सामने आएगा। देखिए, उनका पूरा धारण करके आपकी मैं आ रहा हूँ उसी बात पर आ रहा हूँ कन्या जी, तो जिस प्रकार के भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं, अब उनको किस प्रकार का खतरा हो सकता है, जो खुलेआम गोलियां चलाने की बात कर रहा हूँ उसको भी किसी और से खतरा है, तो मैंने ये तो हास्यास्पद स्थिति है। कल मैं उनका भाषण सुन रहा था आज तक चैनल पर, आप ही के चैनल पर, और मैं मुझे सुनने से ये लगा कि ये व्यक्ति कैसे इतना खुलेआम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए क्या है, क्या सुरक्षा है नहीं है वो एक अलग मैटर है, भारत के राजनीति को एक नई धारा देने का प्रयास ओवैसी साहब कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो एक प्रकार से जो अलगाववादी जो तत्व हैं उनसे प्रेरित होकर वो भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो कोई भी हम पर ये इल्जाम लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी की वो बी टीम है, उनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि 40-40, 50-50 वर्षों से अकलियत का झोला धोते हुए भारत में स्यूडो सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करते हुए लोग आज के समय पर मुसलमानों का जो वोट हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और पूरे बिहार में जब इनको कहीं से भी किसी भी प्रकार का जन समर्थन उपलब्ध होने की संभावना नहीं दिख रही है,
नहीं, संतोष जी डेविएट मत, सीधी बात बताइए, सीधी बात बताइए कि सिक्योरिटी है या चारा, सिक्योरिटी है या मछली को दाना डाला है आपने, ये बताइए ना सर। इससे पहले जीतन राम मांझी को 14-15 में आपने जेड प्लस सिक्योरिटी दी थी, उससे उससे बोलिए संतोष जी बोलिए। नहीं हमें देखिए, अगर किसी को सुरक्षा की आवश्यकता है तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है उसको सुरक्षा उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार की एक अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसके माध्यम से हम उसका स्क्रूटिनाइज कराते हैं कि किसको सुरक्षा की आवश्यकता है और किसको नहीं है। अगर सरकार की ये विषय ध्यान में आएगा कि नहीं अमुक व्यक्ति को सुरक्षा देना आवश्यक है तो उसको मिलेगा, इसमें तो कहीं किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर ये बात ध्यान में आएगी, ठीक है। माधव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं और आरएलएसपी से पुराना सरोकार रहा है, कुछ दिन जेडीयू में रहे और अब फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी नई पार्टी में है। माधव जी, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन इन सबके बीच मिल गई मुकेश सहनी जी को। और अभी ताजा बयान उपेंद्र कुशवाहा का बड़ी खबर लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आया है और जिसमें उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि बीजेपी के सामने कई पीएम उम्मीदवार हैं, इसलिए बीजेपी को चुनौती देना फिलहाल मुश्किल है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, तो उम्मीद करें भविष्य में कि उपेंद्र कुशवाहा को भी सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी देती दिखाई दे सकती है, क्या कहेंगे? सुकन्या जी, सिक्योरिटी का पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? यानी केंद्र सरकार समीक्षा करती रहती है किस व्यक्ति को कितनी सिक्योरिटी की आवश्यकता है, हर भारतीय नागरिक सुरक्षित रहे, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, तो स्वाभाविक है खतरा रहता है। अगर उस खतरे को ध्यान में रखते हुए अगर केंद्रीय एजेंसी ने किसी भी व्यक्ति को, चाहे मुकेश सहनी जी को या उपेंद्र कुशवाहा जी को या एक्स वाई या जेड को, किसी को भी अगर सुरक्षा दी है, तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आपने उपेंद्र कुशवाहा जी की अभी की बयान के जिक्र किया आपने, देखिए तो स्वाभाविक है, जो सत्य सत्यम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए बीजेपी के साथ एक ही है प्रधानमंत्री के दावेदार, और विपक्ष के पास जो है ना हजारों में है प्रधानमंत्री के दावेदार। भारतवर्ष की जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर विपक्ष में किसको प्रधानमंत्री का चेहरा माने। तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो सही कहा है, और मैं तो कहता हूं कि देश हित में जरूरी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। जिस तरह उन्होंने काम किया है देश के लिए, आज अर्थव्यवस्था में कोविड पेंडेमिक के बावजूद भी अपनी अर्थव्यवस्था फल फूल रही है और इतनी अच्छे ढंग से चल रही है। और जो बजट आया इस बार, हम लोगों ने, सब लोगों ने, कहीं विपक्षी पार्टियां ने भी सराहना करने का काम किया। मैं तो अर्थशास्त्री के रूप में कह सकता हूं कि बहुत लंबे वर्षों के बाद इस तरह का बजट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि उसको राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा का मैटर है। और मुकेश सहनी जी स्वाभाविक है अपनी पार्टी के चीफ हैं, तो कार्यक्रम उनका होता रहता है। केंद्र सरकार को लगी होगी कि सुरक्षा उनको मुहैया कराया जाए, तो सुरक्षा मुहैया कराया गया है। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा जी की सुरक्षा की बात है, तो समय रहते जब केंद्र सरकार को लगेगी तो उनकी समीक्षा की जाए करेगी। सुकन्या जी मुझे जाना है, मैं निकल सकता हूँ क्या? मैंने अपनी बात कह दी, ठीक है जाइए। माधव जी, यहाँ पर एक बात जो है आदिल हसन साहब ने उठाया है, आपके पुराने सहयोगी अख्तरुल ईमान साहब भी रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की मांग के लिए लगातार ओवैसी साहब यहाँ दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही। और इससे पहले डिबेट में आदिल जी आपको साथ आने के लिए भी कह रहे थे, तो उनके लिए दिल दुखता है कि आपका, आदिल जी और उनकी पार्टी के लिए और अख्तरुल ईमान साहब के लिए? देखिए, सुरक्षा प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है, और जो केंद्रीय एजेंसी है वो सुरक्षा का देखती है कि किस व्यक्ति को कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है। और इनके जो विधायक हैं, तो विधायक को तो सुरक्षा पहले से ही मिली होगी, निश्चित रूप से मिली होगी, जो प्रोटोकॉल है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। अतिरिक्त सुरक्षा की जहां तक बात होती है, और केंद्र सरकार जो है, जहां केंद्र सरकार को लगता है और केंद्रीय एजेंसी को लगता है कि इस व्यक्ति की जान को खतरा है, तो निश्चित रूप से वहां सुरक्षा जो है सो प्रदान करती है। मुझे नहीं लगता है, ओबीसी साहब को भी सुरक्षा प्रदान किया गया था दिल्ली में, मुझे याद है जब उन पे हमला हुआ था चुनाव के टाइम में हुआ था, लेकिन उन्हें सुरक्षा कैटेगरी बढ़ाने से उन्होंने खुद मना कर दिया। तो सरकार समीक्षा करती रहती है, मुझे लगता है इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना है कि यह व्यक्ति बीजेपी के क्लोज आ रहा है तो उसको सुरक्षा प्रदान कर दिया गया, या विपक्ष में है तो उसको सुरक्षा कम कर दी गई, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मुकेश सहनी जी को मिली है, जो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को लगा, और हो सकता है कि पुनः 6 महीने साल भर के बाद केंद्र सरकार को लगे कि बिल्कुल। माधव आनंद जी, बीजेपी वाले घूम घूम कर बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने सबका बंगला छीन लिया, लेकिन मुकेश सहनी का बंगला नहीं छीना,
तब तो बीजेपी वाले ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो साथ रहता है उन पर सत्ता पक्ष की नजरें इनायत रहती है, और अब जब सिक्योरिटी मिली है तो आपकी तरफ से ये बातें हो रही है, और एलजेपीआर भी यही बोलेगी और बीबीआईपी भी यही बोलेगी और बीजेपी भी क्या बोल के गई वो आपने देखा, इस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड है क्या? नहीं देखिए, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए पहले मंत्री थे और अभी मंत्री नहीं है, विधान परिषद के सदस्य भी नहीं है, फिर भी उनका आवास अगर आवंटन किया गया है तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। आज देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी हम लोगों ने उन्होंने कहा कि एमएलसी से रिजाइन जैसे उन्होंने किया, पार्टी की सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया, हम लोगों ने नई पार्टी बनाई है, तो उसके पैमाने हैं, उसके नियम है कि आप वो बंगला यूज कर सकते हो, उसके लिए पेमेंट करने की प्रक्रिया होती है, तय मापदंड है और उसके अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं मुकेश सहनी जी, उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि, और ये कोई आज का पहला उदाहरण नहीं है, इस तरह के कई उदाहरण आपको देश में मिल जाएंगे, हर राज्यों में मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो नियम है नियम के तहत ही उनको दिया गया होगा, और कितने दिनों तक रहेगा वो भी समय आने वाला समय बताएगा, और उसी प्रक्रिया के तहत उनको मिला हुआ है आवास। चलिए आदिल काउंटर करेंगे, आदिल बोलिए। मैम आईजी ने इंटेलिजेंस का रिपोर्ट लिखा है कि अख्तर उलीमान साहब को सुरक्षा मिल जाए, क्योंकि महागठबंधन के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ जितना मुखर होकर अख्तर उलीमान साहब माइनिटी का इश्यू उठाते हैं और सीमांचल का उतना कोई नहीं उठाता है। और अभी आप भाजपा के प्रवक्ता का सुना कि किस कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी भाजपा पर जो फूल बरसाएगा, बाहरों फूल बरसाओ भाजपा ठीक है तो उसी को सुरक्षा मिलेगा, यही उनका कहना था ना कि जो उनकी उनके उनसे उनके साथ कंधा से कंधा मिला के रहे वही ठीक है। आप भी बताइए आईजी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, उस पर भी आप नहीं दे रहे क्योंकि वो मुसलमान है, अगर मुसलमान को आप नहीं देना है तो मत दीजिए, उससे डर नहीं, मेरा हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है, लेकिन नियम की बात होगी तो वहां पर अख्तर उलीमान साहब को सुरक्षा मिलना चाहिए। और ये बाजाब्ते इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि हम महागठबंधन और भाजपा के खिलाफ मुखर आवाज हैं और हमारे विधायक को तोड़ा गया, धमकाया गया, गोपालगंज में धमकाया गया, कुर्दी में धमकाया गया, और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात की ऐसा कोई नहीं, एक महीने का एक्सटेंशन मिलता है मंत्री को, छह महीना मंत्री को एक्सटेंशन नहीं मिलता है, ये नीतीश जी की अंडरस्टैंडिंग है, मुकेश सहनी जी को दिए हुए हैं, आखिर हम भी पैसा देंगे, रेंट देने के लिए तैयार हैं, हमें ना पार्टी ऑफिस दिया जा रहा है और ना हमें बड़ा बंगला। चार बार का अख्तर उलीमान साहब एमएलए है, मुकेश सहनी तो पहली बार का एमएलसी है, अख्तर उलीमान साहब चार बार का एमएलए और प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा है क्योंकि नीतीश जी के खिलाफ बोलते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, आरजेडी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि सच बोलना तो बगावत है, तो हम बागी हैं, हम तो बोलेंगे ही, हम ना नीतीश जी से डरते हैं, ना लालू जी से डरते हैं, ना भाजपा से डरते हैं, हम तो डरते हैं अल्लाह से और आवाज उठाते रहेंगे। आप ही बताइए इंटेलिजेंस का दो दो बार रिपोर्ट लिखने बाद हमला होता है, इतना टारगेटेड है तब भी नहीं दिया जा रहा है, जिस पर कुछ नहीं है उसको आप इतना मेहरबान कर रहे हैं, हम भाजपा से आंख। चलिए ठीक है, सवाल आपका आ गया, हमारे साथ जो है विनीत जी बने हुए हैं। बिल्कुल विनीत जी, जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर तो चिराग पासवान भी घूम रहे हैं, क्या सिक्योरिटी का कोई सत्ता कनेक्शन आप देखते हैं या क्या कहेंगे इस पर? सुकन्या जी थैंक गॉड, हमको लगा कि आप भूल ही गई हमको। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सुकन्या जी एक शायर हुए हैं अकबर इलाहाबादी, वो कहते हैं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती, केंद्र सरकार कुछ भी करे सब लोग उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानता है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी करे नियम कानून को तोड़ दें और उनके लिए वाहवाही होती है। मैं थोड़ा बिहार का विधि व्यवस्था के बारे में बता दूं। अभी आपने कल या परसों में नरकंटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा, उनको धमकी मिला कि आपको 47 से भूंज दिया जाएगा। आप इसके अलावा आपने हाजीपुर में दो अपराधियों को पकड़ा गया जो कि नित्यानंद राय जी को गोली मारने के लिए धमका रहे थे। तो जिस राज्य का, मैं छपरा की बात और जेठुली की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, बाकी लोगों ने कह दिया है, जिस राज्य में विधि व्यवस्था ये है, क्या आम और क्या खास, सबके जीवन पे 47 टंगा हुआ है, तो अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट कहता है भाई कि इनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है, इनको अपने जान का खतरा हो सकता है, तो इसमें सुरक्षा देने में कहां गलती है? तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस हम लोग हैं करना बंद करें। और जहां तक AIMIA के भाई कह रहे हैं तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि बीजेपी जो मुसलमानों के लिए है बिल्कुल हितैषी नहीं है, ये भूल जाते हैं तीन तलाक, ये भूल जाते हैं उज्ज्वला योजना, ये भूल जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से बचिए, बिहार की स्थिति समझिए, उसके अनुरूप अगर होम मिनिस्ट्री ने दिया है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। जी सुकन्या, ठीक है,
आदिल जी काउंटर करना चाह रहे, काउंटर कीजिए। असल बात है, असल बात मोदी जी अपने घर के पैसा से नहीं दिए हैं, जो उज्ज्वला योजना है, जो उज्ज्वला योजना में गैस लोग नहीं भरा पा रहा है। और जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ 7 मुसलमानों को वो मिला है और कोई एहसान नहीं किए। और सुरक्षा जब इंटेलिजेंस से दो दो बार दिया गया है तो उसको आपका कल घर खाली करा गया था तो पूरा आंसू बहा रहे थे चिराग पासवान जी, रो रो रहे थे कि रामविलास जी का पासवान जी का फोटो फेंक दिया गया, ये दिखा रहे थे, पूरा आंसू था। उस वक्त क्या था, उस वक्त तो बहुत बोल रहे थे मोदी जी को, उस कभी हनुमान बोल रहे थे, कभी नीतीश जी को टारगेट। बता आपको जैसे सूट करे आप ठीक है, आपका घर खाली करा दिया गया तो मातम मना रहे थे ठीक है, अब आपको सुरक्षा मिल गया तो मोदी जी बहुत अच्छा हो गए, वो भी वीडियो चलाएंगे, वो भी जनता के बीच वीडियो है, वो भी वीडियो जनता के पास है। 12 जनपद जब खाली कराया गया था तो आंसू क्यों बहा रहे थे? फिर वही बात, आपने देखा है कि आंसू बहा रहे थे हम लोग, रोंदू वाला काम पूरा वीडियो है, वो तो वीडियो है, पूरा पूरा देश के सामने वीडियो है, हमें भी मालूम है भाई, हाँ पूरा वीडियो है देश के सामने। अरे हमको मालूम भाई, 1958 से 12 जनपद ऐसे भी खाली से है, जानकारी नहीं है उसके लिए कोई आंसू नहीं बहाता है तो काहे रो रहे थे भाई की हटा दिए, ये किए वो किए। अरे भाई अरे वीडियो देखिए ना कि वीडियो है कि क्यों पार्टी तोड़ दिया गया है, पूरा देश के सामने वीडियो है। आपके कहने से थोड़ी होगा कि हम मान लेंगे, आपका फोटो फेंक दिया गया, बोले कि फोटो ट्विटर पे डाले, ट्विटर में फोटो फेंक गया, ये किया, मेरा घर जब रातों रात खाली करा दिया गया। सवाल पूछ लिया आपने आदिल, सीधा सीधा एआईएमआईएम की तरफ से विनीत जी सवाल ये है कि जब कार्रवाई आपके आवास खाली कराने को लेकर हुई तब तो आपने कहा कि ये बायस्ड है। चिराग पासवान का बयान एक एक मुझे भी याद है जिसमें चिराग पासवान कहते हैं कि पहले से सलीके से बता देते तो हम लोग खुद ही अपना सामान लेकर चले जाते, जो मूर्ति तोड़ा गया वो ठीक नहीं है। तो जब आपके अगेंस्ट चीजें होती है तब आप कहते हैं कि भाई ये सब जो है प्रायोजित है, और जब आपके फेवर में चीजें होती है, आपकी बातचीत ठीक चलती है बीजेपी की, तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगते हैं, ये कहना है एआईएमआईएम का, इस पर क्या कहेंगे? कन्या जी इस बात से मैं असहमति अपना व्यक्त करता हूँ। देखिए हमें 12 जनपद पहले भी खाली करना था, हाँ सामान काफी होता है क्योंकि 30 साल से आप वहां रह रहे हैं, आपकी यादें हैं, सामान है, तो उसको पहले बताते तो उसको तरीके से खाली कर दिया जाता, ऐसे सड़क पे फोटो नहीं रखे जाते, तो इसको बीजेपी थोड़ा या जो भी लोग इन्वॉल्व है थोड़ा बेहतर ढंग से इसको हैंडल कर सकते थे। चिराग पासवान जी ने कभी नहीं कहा कि हमें गेट सुरक्षा दीजिए, हम तो कभी नहीं रो रहे थे जैसे ये भाई रो रहे हैं। अरे सर जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं तो जान का खतरा आपको हमेशा रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा करना बड़ा कीजिए और बाहर निकल फिर पॉलिटिक्स। सुकन्या जी आपकी बात है कि जवाब लेंगे आपसे, आपसे जवाब लेंगे। रमेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी क्या लग रहा है, जो सिक्योरिटी है या जो सिक्योरिटी का झुंझुना है उसके सहारे बीजेपी ने बिहार में बिगुल फूंक दिया है 24-25 के लिए, क्या लग रहा है? राजनीतिक कनेक्शन देखते हैं या सिर्फ कहेंगे कि भाई उनको जरूरत ही बीजेपी ने दी थी, क्या कहेंगे? नहीं नहीं वो तो पहले भी जिसको भी सिक्योरिटी बीजेपी देती है उसी के साथ अलायंस होता है, और बीजेपी अलायंस पार्टनर ढूंढ रही है तो वैसे ही तो आएंगे नहीं ना बचाने। बीजेपी अपना अलायंस पार्टनर ढूंढ रही है तो अलायंस करेगी ही, उसको भी अपना अधिकार है। थोड़ा नीचे कर लीजिए, बहुत बोल लिया आपने, थोड़ा हम लोग को भी बोलने दीजिए। खाली आप ही डिबेट में बात करेंगे तो कहाँ हाथ उठा रहे, थोड़ा हम लोग को भी सुन लीजिए। तो वो अब मुश्किल ये है कि ये इंडिकेशन है, मतलब मुश्किल नहीं है ये, मतलब एक रास्ता है, जरिया है कि आपने जिसको सिक्योरिटी दिया, पहले इन्होंने कुशवाहा चिराग पासवान को सिक्योरिटी दिया, 2015 में भी जिसको सिक्योरिटी मिली उसके बाद फिर वो नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन अब कुशवाहा जी की मुश्किल ये है कि कुशवाहा जी को सिक्योरिटी नहीं मिली अभी तक, तो इसलिए अभी तक उनकी एनडीए में एंट्री दिख नहीं रही है, लेकिन चिराग जी की हो गई है और मुकेश सहनी भी सील हो गए हैं, डील सील हो गया है। मुझे लगता है अब बाकी अक्टूबर अगस्त तक, सितंबर अक्टूबर तक घोषणा भी हो जाएगी। ये तय है कि जिसके साथ गठबंधन होना है उन्हीं को सिक्योरिटी दी जाएगी, और ये कोई मॉडल पहली बार नहीं है। बंगाल में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया था, और बाकी जगहों पर भी जब वो अलायंस करते हैं या दूसरी जगह से लोग आते हैं तो जो सुरक्षा हो या एक रुतबा हो, जो भी है दबंगई हो वो दिखाने के लिए या जो भी है, तो वो जो भी उनका मकसद रहा हो, लेकिन वो ये है कि क्या कहते हैं सिक्योरिटी दी जाती है, और बिहार में अब सिक्योरिटी मिलना इससे साफ जाहिर है। मुझे बस ये कहना है कि कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी को, जैसे हमारे आदिल साहब जो है लगातार, कोई भी पार्टी मतलब किसी धर्म की ठेकेदार नहीं बन सकती। ये ऐसे बात करते हैं जैसे कि सारे मुस्लिमों का ठेका इन्होंने ले लिया है, जैसे बीजेपी के पास हिंदुओं का ठेका नहीं, नहीं, नहीं सर, रमेश सर, जाति की ठेकेदारी भी तो होती है ना सर, तो
जाति की, यहाँ पर देखिए कुशवाहा जी कुशवाहा की बात करते हैं तो इन्होंने भी एक धर्म पकड़ लिया है, बात कर रहे हैं नहीं, तो, नहीं नहीं तो ये मैं फिर बता देता हूँ, कुशवाहा जी बेशक वो कितने ही बात करते रहे लेकिन 1% कुशवाहा भी उनके उनके नाम पे वोट नहीं देता है, तो किसी को मुगालता ना हो जाए, मुझे लगता है इनको भी मुगालता हो गया कि इनके नाम पे ओवैसी जी के नाम पे ही मुसलमान वोट देता है, ऐसा है नहीं। तो हम मुद्दे उठाएं और सभी लोग मुद्दे उठाएं, लेकिन जब बहस भी डिबेट भी करें तो ये हमेशा याद रखें कि आपको भी एक्सप्लेन अगर आगे स्वीकारता चाहिए सोसाइटी में तो सिर्फ एक धर्म की बात करने से, और उसकी भी आपको कुछ 2-4% ही वोट मिलता है, तो ये हम यहाँ डिबेट में भी ये बात करें और फेक और फैक्ट पे जरा ध्यान रखें। इन्होंने अभी बोला कि हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि पता नहीं किस योजना में बोल रहे हैं कि 7 लोगों का को मिला है यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश का आरटीआई, हम आरटीआई अभी व्हाट्सएप कर रहे हैं आपको, हम आरटीआई में उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास में 7 लोगों को व्हाट्सएप करेंगे, अभी आपको आरटीआई भेजेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का, रमेश भाई अभी अभी हम भेजें उत्तर प्रदेश सरकार का। एक तो आप नॉन स्टॉप बोलने लग जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए जवाब इसका, 2 लाख मुसलमानों को पीएम आवास योजना के तहत मैं आपको डेटा भेज देता हूँ, मैं नाम के साथ है, बेनिफिशियरी के साथ। एक तो पीएम आवास योजना की इंदिरा आवास योजना है नहीं, पहली तो आपकी जानकारी गलत है, पीएम आवास योजना है और उसमें 2 लाख लोगों को 2017 से लेकर 2022 तक को मिला हुआ है मुसलमानों को, आप अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए और डेटा मैं आपसे शेयर कर लूंगा। चलिए ठीक है, आगे मोटिवेट ठीक है। रमेश जी एक सवाल यहाँ पर आदिल ने उठाया है, उस सवाल पे आते हैं। आदिल जी ने बोला कि अख्तरुल ईमान साहब के लिए ओबीसी जी लगातार लेटर लिख रहे हैं गृह विभाग को कि अख्तरुल ईमान साहब को बहुत जान का खतरा है, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इनका सीधा सवाल है कि जब चिराग को मिल सकता है, मुकेश सहनी जी को मिल सकता है, तो अख्तरुल ईमान साहब की क्या स्थिति है? देखिये सिक्योरिटी में क्या होता है, कई बार कोई पत्थर मार देता है या कोई लोग अपने ऊपर हमला करवाते भी हैं, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं। ओवैसी जी को खुद ही सिक्योरिटी चाहिए, दिल्ली में उनके आवास पे 4 बार हमला हो गया है, कल ही बेचारे वो बाघ के बाइट दे रहे थे, तो उनको चाहिए कि केंद्र लोकसभा में उठाएं और जहां सदन में भी उठाएं, और ये लगातार मांग करते रहे, उनके नेता को चाहिए। तो बिहार सरकार तो केंद्र सरकार, ये सिक्योरिटी तो केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन पे मिलती है, तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, विपक्षियों को भी बिल्कुल चाहिए अगर ओवैसी जी पे हमला हुआ है। लेकिन मुझे डाउट है, कई बार ये होता है कि आप सुर्खियों में बने रहने के लिए भी कुछ नेता हमला करवाते हैं अपने पे, मुझे ऐसा लगता है। ओवैसी जी करवाए इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ छुटवैया नेता पास्ट में इतिहास में ऐसे उदाहरण भी हैं कि कई बार वो करवाते हैं। हाँ, ये जो डोलो दिया जाता है कि हम हमारे पास आ गए, हमारे पाले में आ गए और आपको सिक्योरिटी मिलेगी, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली तो टैक्स पेयर का पैसा है ये। जी सुकन्या, बिल्कुल आदिल जी इस पर क्या जवाब देंगे, बोलिए। मैम पहली बात ये कि आईसीस के खिलाफ अगर भारत में सबसे पहले किसी ने बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला और आईसीस ने फतवा जारी किया था उनके खिलाफ, और बाजाब्ते गोली चली थी, सीसीटीवी फुटेज है, और अख्तरुल ईमान साहब के बारे इंटेलिजेंस के रिपोर्ट वहां केंद्र सरकार में पेंडिंग है पिछले 6 महीना से, और लोजपा के हमारे मित्र कह रहे थे तो एमआईएम के बाद 2 MP है और बिहार में लोजपा लड़ी और एमआईएम लड़ी, हम 5 MLA जीत कर आए थे, आप सिर्फ 1 MLA जीते थे, और आपके पास जितना एमपी था हमारे पास भी 2 MP है केंद्र में और 5 MLA जीते थे, सीपीआई सीपीएम मुकेश सैनी और मांझी जी से भी ज्यादा एमआईएम के पास एमएलए था, हम किसी मामले में कम नहीं है। तो आप जो गलतफहमी में है कि बोलते हैं कि एमआईएम छोटी है ये, और 1958 में हम बने हैं, जब लोजपा पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त एमआईएम बन गई थी, इसलिए हम संघर्ष और 10 स्टेट में हम संघर्ष कर रहे हैं और हम करेंगे, हम भाजपा के साथ दोस्ती नहीं करते, हम आंख से आंख मिला के बोलते हैं, कल तक मुस्लिम मुख्यमंत्री हम नहीं बनाते थे और आज भाजपा के साथ खड़े हैं, कल तक गुजरात के मुद्दा पर हमने इस्तीफा नहीं दिया था, आज फिर मोदी जी के साथ है। ठीक है विज्ञान जी एक चीज यहाँ पर यह बताइए कि आरोप AIMIM का ये लग रहा है कि क्योंकि AIMIM बीजेपी की विरोधी है इसलिए उनको सिक्योरिटी बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी नहीं मिला और मुकेश सैनी जी को मिल गया, तो वो कह रहे कि पूरा सिस्टम जो है बायस्ड है, इसका जवाब कैसे देंगे विज्ञान जी? ये बायस्ड व्यू से तो होता नहीं, इसको पॉलिटिकल नजरिया से देखना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल नजरिया की बात नहीं है। मुकेश सहनी जी को यदि मिला है तो मुकेश सहनी जी को आप याद कीजिए, अभी जहां 4 जगहों के बारे में हमने बताया कि जो बिहार में स्थितियां आई है, कांटी से लेके छपड़ा से लेके पूर्णिया तक की जो स्थितियां हुई है, उस स्थितियों पर गरीबों की आवाज उठाने वाला आदमी है, आवाज उठाने पर जो गरीबों की आवाज उठाता है, अभी सब लोगों ने कहा कि सब लोगों के साथ जातीय संगठन है, बिल्कुल है, जातीय संगठन इनके साथ भी है, निषादों का एकमात्र एकलौता नेता है, लेकिन ये अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं कि जातपात की बात करते हैं, ये करते हैं मांस की बात, समाज की बात,
जात से जमात की ओर बढ़ते रहते हैं, और जमात की जो बगावत करता है, जमात के लिए जो बगावत करता है, जो अपनी आवाज उठाता है, उसकी आवाज बंद ना हो इसके लिए दिया गया है, न कि इसमें कोई पॉलिटिकल बातें हैं। ये बीजेपी की ओर बढ़ गए, जदयू की ओर बढ़े, बता रहे हैं यही लोग अभी तक बोल रहे थे, तमाम लोग बोल रहे थे मकान भी इनको दिया, कोठी दिया गया है, कोठी इनको हटाया नहीं गया है। अरे भाई कोठी नहीं हटाया गया है तो कोठी उनके पास था, इन्होंने निवेदन किया होगा अथवा पेमेंट किया होगा तब तो ये कोठी दी गई है, जब नियम के विपरीत तो दिया गया है नहीं, नियमा अनुकूल दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि ये कहते हैं कि उनको नहीं, कंपेरिजन इस बात से होना चाहिए था कि देश में आप क्या बोलते, भड़काऊ भाषा कौन बोलता है, देश को जलाने की आवाज कौन उठाता है, जातीय सम्मेलन में कौन बढ़ाना चाहता है, जातीय बंधनों में को कौन तोड़ना चाहता है, कौन उसका भाषा बोलता है, डिपेंड करता है। कभी मुकेश सहनी, एक मिनट, कभी मुकेश सहनी वैसी आवाज नहीं उठाया जो उसका भाषा हो। ये बात जरूर किया कि गरीब गुरुआ की आवाज को उठाने का हिम्मत किया है, गरीब लोग कहते हैं कि हम उससे बड़ी पार्टी है, पहले से पार्टी, अरे तो जब जगे तब सवेरा, जब इंसान जगता है तब सवेरा होता है। मुकेश जी निश्चित तौर पर कम दिनों में पार्टी उनकी बनी है, लेकिन जब उनका अपने उम्र से देखे, जब पार्टी में आए हैं, बनाए हैं, चले हैं, तो आपके देश के बारे में करते हैं कि नहीं, इस स्टेट राज्य के बारे में वो करते हैं कि नहीं, इस राज्य की स्थितियों पर बोलते हैं कि नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में जो बोलता है उस पर इन पर देख के पार्टी से नहीं देखा जाए इसको, बिल्कुल पॉलिटिकल निजात से नहीं देखा जाए, इसको देखा जाए कि सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं, देश में अमन चैन होना चाहिए या नहीं, बिहार की पुनः स्थिति जो अभी बिगड़ती स्थिति है, बिहार में जो जलता हुआ बिहार दिखता रहा है, और उसकी जो आवाज है उठाने वाला है, उसकी आवाज कहीं बंद न कर दी जाए, इस पर यदि किया गया है। दो तीन सवाल सीधे आपसे कि अभी क्या बिहार में स्थिति ठीक नहीं, ये आप मानते हैं कि जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है बिहार? बिल्कुल बेशक। और 24 का लोकसभा और 25 का विधानसभा गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे, किधर जाएंगे? नहीं, 24 का चुनाव में गठबंधन में क्या होगा ये तो अभी कुछ नहीं, तो उन लोगों पर डिपेंड करता है जो बड़े नेता हैं, वो क्या कर पाएंगे, क्या डिसीजन ले पाएंगे, ये नहीं कहते हैं, नहीं कह सकते। लेकिन हम लोगों जैसा वर्कर जो है, साधारण वर्कर, वही इतनी बात जरूर मानता है कि जो देश को बचा सके, जो बिहार को जलने से बचा सके, उसके साथ अपनी सहमति देनी चाहिए। लेकिन 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 जब ऑपरेशन VIP हो रहा था तब तो आपके शब्द अलग थे, तब तो आप लोकतंत्र पर हमला बता रहे थे। जब भी वो तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, ऑपरेशन जब भी होता है, जब भी किसी को चोट लगेगी तो आह ही निकलेगा, जब बिहार की स्थितियों में इजाफा आएगा तो उसकी सुखियाली आएगी, जब पीठ में जो खंजर घोपा, पीठ में जो खंजर घोपा गया आपके, कभी RJD कभी BJP की तरफ से, तो 24 और 25 से पहले फिर से पीठ तैयार रखें क्या दोबारा खंजर के लिए? हम तो अपने स्तर से चलते रहते हैं, VIP अपने मिजाज से चलता रहता है, VIP अपने संगठन की ओर चलता है, VIP मौजूदा परिस्थिति से लेके आने वाले भविष्य तक का कल्पना करता रहता है, उसके मुतल्लिक अपने को पेश करता है, और उसी के मुतल्लिक अपने को पेश करता रहेगा। कौन खंजर चलाता है? बोछा का चुनाव आप सिर्फ लड़े थे बीजेपी को हराने के लिए, सिर्फ यही उद्देश्य था VIP का, और उसमें कामयाब भी हुई VIP, उसके लिए आपको बधाई भी। लेकिन जो आपका बोलने का तौर तरीका, शब्दों का चयन बदल गया है, उस पर दर्शक जो है थोड़े कंफ्यूज हैं कि आपने माफ कर दिया बीजेपी को, ऐसा लग रहा है विज्ञान जी, सिर्फ एक Y+ सिक्योरिटी के पीछे। ऐसा नहीं है, हमने बोछा के चुनाव में भी अपने जीत के लिए लड़ा था, और आपने देखा कि हम कंटेस्ट में थे, एक इतना बड़ा जमात से लड़के, से लेकर देवव्रत जी के सुनवा दूंगी जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए मैदान में हैं। सर एक बार मैडम और उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, जब बोझा का चुनाव हुआ था हम मुखालफत में लड़े थे, तो हम जीत के लिए लड़े थे, और उस समय भी हमारी हार भी हो गई थी, तब भी हमने उन लोगों को, समर्थकों के लिए हमने लड्डू बांटा था, जो कम से कम न्याय के साथ रहने वाला इतना मिजाज का लोग तो है। फिर आप देखिए, ठीक है, आपकी अपनी सियासत है और सबको सियासत करने का अधिकार है। माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माधव जी, बड़ी तेजी से बिहार की सियासत बदल रही है, और स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार के जितने एलिजिबल सिंगल पॉलिटिशियन है, जिनमें दमखम है, जो जाति विशेष की सियासत करते हैं, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, क्योंकि बीजेपी भी JDU के जाने के बाद सिंगल रेडी टू मिंगल है। क्या कहेंगे माधव आनंद जी? और श्रेणी में उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के नजदीक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है?
की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि यह सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ होता है कि कोई कहे कि नहीं कि यह जाति की ही पार्टी है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। और उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े जनाधार वाले नेता हैं, अगर नहीं रहते तो चारों सदन में रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार में रह चुके हैं, तो वो जमात की राजनीति करते हैं। और जहां तक आपने बात कही, देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, और जहां तक देश के हित के लिए, बिहार के हित के लिए जो भी कदम उठाना होता है समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम लोग उठाते आए हैं। अब समय परिस्थिति जो स्थिति बिहार की बनी हुई है, जो जंगल राज हम लोगों ने देखा है, और जिस तरह वंशवाद के अगेंस्ट में जनता दल यूनाइटेड खड़ी हुई, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पदचिन्हों पर चलने वाले नीतीश कुमार जी आज जो है परिवारवाद के सामने नतमस्तक हो गए, इतने असहाय हो गए, इतने कमजोर हो गए, और बिहार को पुनः उस जैसे पुराने जमाने वाले जो 90 के दशक में जो था स्थिति थी उस दशक में लाने की जैसे जो लगातार प्रयास हो रही है, तो स्वाभाविक है हम सब लोग चिंतित हैं, जितने भी बिहारवासी हम सब लोग चिंतित हैं, खौफ का जैसे सब लोग जैसे उस वातावरण में जी रहे हैं। आज देखिए कि बिहार की जैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, लगातार घटनाएं घटित हो रही है। जब एनडीए की सरकार थी, जब बीजेपी के साथ जेडीयू का अलायंस था, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां जैसे लगातार जैसे चेंज हो रही है, फिर भी जैसे मुख्यमंत्री जो तो निर्णय लेने की अब क्षमता ही उनमें नहीं है, वो तो असहाय हैं। हम लोगों ने तो कल कहा कि भाई हिस्सा किस चीज का मांगू, उन्होंने तो सारा चीज गिरवी रख दिया है, जमीन से लेके जो पार्टी है सब कुछ गिरवी रखने का काम किया। तो गिरवी तो वही व्यक्ति हो रखता है ना जो असहाय हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और वही नीतीश कुमार जी की स्थिति है। तो निश्चित रूप से जो बिहार की स्थिति है बहुत भयानक स्थिति है। विकास का काम तो छोड़ दीजिए, विकास तो बाद की चीज है, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आपके चैनल पे ही लगातार दिखाया जा रहा है कि कितनी घटनाएं घटित होती है, कितनी लोगों को मारा जा रहा है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं बिहार में। तो निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है, और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बिहार वासियों को ध्यान में रखते हुए, भारतवर्ष की जनता को ध्यान में रखते हुए जो भी कदम उठाना होगा वो हम लोग उठाने के लिए पार्टी बनाए हैं, और आगे जो है हम लोग बताएंगे कि हम लोग का क्या जो है आगे का रूपरेखा होगा। बिल्कुल, विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए। विनीत जी, पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार नए साथियों की तलाश कर रही है, लेकिन चिराग पासवान की कोशिश ये होगी कि एनडीए को कम साथी मिले जिससे कि ज्यादा सीट एलजेपीआर के खाते में आ सके। क्या लग रहा है, थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं जिस तरीके से अब बीजेपी जो है मुकेश सहनी को दाना डाल रही है, चारा डाल रही है, और जिस तरीके से माधव आनंद बीजेपी के लिए पॉजिटिव हुए हैं, या जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं उनकी जो नई पार्टी है वो जैसे बीजेपी के लिए पॉजिटिव हो रही है, थोड़ा इनसिक्योरिटी हो रही है या नहीं? तो कन्या जी, इनसिक्योरिटी में बाद में आऊंगा, पहले जरा आदिल भाई को जवाब दे दो, ये देना जरूरी है। आदिल भाई, 2020 चुनाव अकेले लड़े थे, किसके साथ लड़े थे? दो और पार्टियों के साथ लड़े थे, हम अकेले लड़े थे। कहां कहां लड़े थे? केवल सीमांचल में, हमने पूरा बिहार में लड़ने का काम किया था। कितना वोट प्रतिशत आया था? 1.2। बिहार में लड़के तो एक एमएलए जीते हैं। अरे बोलने दीजिए ना सर, तो एक एमएलए सिर्फ जीते थे। आदिल भाई बोलने दीजिए, आप लोग है ना रोंदू। हाँ, बोलिए 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 बोलिए, बोलेंगे, जवाब देंगे आपका। आपका सर वोट की संख्या 5.5 लाख, हमारा 25 लाख। अब सर प्लीज इसको जरा एनालाइज कीजिए, डाइजेस्ट कीजिए, तब तक हम सुकन्या जी के सवाल पे आते हैं। सुकन्या जी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ना पहले थी और अब तो बिल्कुल नहीं है। किस हिसाब से लोजपा का कद बढ़ा है, चिराग पासवान जी का कद बढ़ा है, जिसका की डिमांड हर पार्टी करती है। हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी को हराने के लिए, ऐसी शक्तियों को हराने के लिए जो भी व्यक्ति लाइक माइंडेड है, कहते ना कि वाइल्ड मैन थिंक अलाइक, लाइक माइंडेड लोग हैं, उनका बिल्कुल सहभागिता हो। और ये इतना किसको सीट मिलेगा वो निर्णय लेगा, अगर हम एनडीए में जाते हैं एक बार औपचारिक ऐलान हो जाए तब हम लोग बैठ के सोचेंगे, और जिसकी जितनी अहमियत है उसके अनुसार बड़े भाई बीजेपी टिकट देंगे या सीट देंगे। तो हमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कभी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं, अपने पोटेंशियल को जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे वोट बैंक कौन है। आज मैं वोट बैंक की बात कर रहा हूं तो मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, क्योंकि ना धर्म ना जात करे सबकी बात में लोजपा यकीन रखती है। तो हमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कभी नहीं, इनफैक्ट हम खुश हैं कि ऐसे लाइक माइंडेड लोग इस कोलिशन में आए। जी चलिए आज जवाब देंगे, दीजिए जवाब। मैं सुकन्या जी, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप खुद आकलन कर लीजिए, पूरा बिहार लड़ेगा तो वो आदमी 25 लाख वोट लाया, हम 18 सीट पे लड़े तो हम 8 लाख वोट लाए, पूरा बिहार लड़ लेंगे तो 1 करोड़ वोट आ जाएगा हमें, फिर ये कहाँ रहेंगे? इनको तो दिल में मोदी जी हैं, हनुमान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, पूरा टेप रिकॉर्डर बजाए थे तब 25 लाख हुआ था, और सिर्फ एक एमएलए जीता है, सिर्फ एक एमएलए जीते, और एमपी भी सिर्फ एक है, हमारे पास 2 एमपी है,
पूरा मोदी जी का चालीसा पड़े तो सिर्फ एक एमएलए मिला पूरा बिहार लड़ने पर, और भाजपा के खिलाफ लड़े नहीं, हमारा 5 एमएलए लोजपा से ज्यादा हम जीत कर आए थे, लोजपा से हम ज्यादा एमएलए जीत कर आए थे। इन्होंने पूरे बिहार में गाना बजाया तो सिर्फ एक एमएलए बना था, हम बिहार में सिर्फ सीमांचल में लड़े थे तो हमारा 6 एमएलए जीत कर आया। इनसे एनी डे हम ज्यादा हैं, ये पूरे बिहार में अकेले कभी नहीं लड़ सकते हैं, हम पूरे बिहार 6 पार्टी के साथ थे, हम सीमांचल में सिर्फ 18 सीट लड़े थे और हमने दिखला दिया था 6 एमएलए लाके की एमआईएम की क्या ताकत होती है। लोजपा और सैनी जी और मांझी जी और सीपीआई और सीपीएम सबसे ज्यादा थे, हम इनडायरेक्ट अलायंस नहीं किए थे, मोदी जी का पोस्टर में नाम नहीं छापे थे कि मेरे दिल में हनुमान हम हैं मोदी जी मेरे दिल में, हमने कभी ये सब वीडियो नहीं बनाया था, पूरी देश ने देखा था वीडियो किसने बनाया था। हाँ अरे बोलिए ना, तो पिता रामविलास जी ने तो बोला था कि 2002 में हम मोदी के खिलाफ हैं, उन्होंने गुजरात के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था, फिर ऐसा क्या परिस्थिति हुई कि मोदी जी के साथ फिर मुसलमान मुख्यमंत्री बना रहे थे, आज फिर से क्यों मुसलमान मोदी जी के साथ चले गए, सवाल तो लोग करेगा ना। कल तक पूरा हेलीकॉप्टर पूरे बिहार में घुमाए थे कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, मोदी जी के खिलाफ हमने इस्तीफा दिया, तो आखिर वो परिस्थिति क्या बदल गई, क्योंकि आपको अलायंस में जगह मिल गई, जेट प्लस सिक्योरिटी मिल गया कि घर अच्छा मिल गया, इसलिए कॉम्प्रोमाइज। बिहार की जनता तो पूछेगी ना कि कभी नीतीश जी के साथ आप चले जाते हैं, कभी मोदी जी के साथ चले जाते हैं, ऐसा क्या होता है, नीतीश जी के साथ भी आप रहे हैं, जब इन्होंने 2017 में अलायंस तोड़ा था लालू जी के साथ तो फिर यही चिराग जी नीतीश जी के साथ, राज्यसभा में नीतीश जी ने मत किया था रामविलास जी को वोट, आखिर जी कभी अच्छे हो जाते हैं कभी खिलाफ हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई। अमित शाह जी ने 2019 में नीतीश जी रामविलास जी, आपने आदिल जी आपने 2-4 सवाल पूछा, आप जवाब भी ले लेते, सिर्फ सवाल जरूरी नहीं है जवाब भी जरूरी है, बोलिए भी नहीं, नहीं नहीं एकदम लीजिए। सुकन्या जी सिलसिलेवार तरीका से आदिल भाई को जवाब दूंगा, दिक्कत क्या है ना कि अधकचरा ज्ञान न वो बेकार हो जाता है, पूरा ज्ञान रखिए। 2002 में हमारे रामविलास पासवान जी ने इसलिए इस्तीफा दिया था कि गोधरा राइट से वो कन्विंस नहीं, केवल उस इवेंट को लेके, उसके बाद से ऐसा इवेंट नहीं हुआ और हम पहले व्यक्ति और पहली पार्टी है बिहार में जो कि एनडीए के साथ हुई। अब जहां तक बात आती है कि हेलीकॉप्टर, भाई हमने तो अपना मुस्लिम या मुसलमान प्रेम दिखाई दिया था 2005 में जब हमारे पास 29 विधायक थे और उसमें चाहते रामविलास पासवान जी तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्हें पार्टी को टूट जाना मंजूर किया लेकिन मुसलमान भाइयों को छोड़ना मंजूर नहीं किया। इसके बाद भी अगर आदिल भाई ये बात बोलते हैं तो मुझे फिर ये हंसी वाला बात लगता है। अब आइए कि बात करते हैं कि मात्र हमने 18 सीटों पर लड़ा, अरे भाई वोट का प्रतिशत आपके पास वो कलेजा है कि आप लड़ सकते हैं, सीमांचल छोड़ के कभी केंद्र में आइए लड़ने के लिए, कभी उत्तर बिहार में आइए कभी लड़ने के लिए, तब आप देखिए। और आपने 3 पार्टियों का साथ लिया था सर, आप बीएसपी और उपेंद्र कुशवाहा जी का, हम अकेले लड़े थे जिससे कारण कि नीतीश कुमार जी का हमने ये गत कर दिया, हमारे पास ऐसे 55 सीट थे जहां पे 10 से 50 हजार वोट आए थे, 6 से 8 सीट पे हम नंबर 2 की पार्टी थे। और आज भी हम बात करते हैं तो हमारी पार्टी की संरचना देख लीजिए, बड़े बड़े पोस्ट पे हमारे मुसलमान भाई हैं। तो ये लोजपा रामविलास पे ये आक्षेप लगाना कि हम जो है मोदी जी के हनुमान है, ये अलग वाक्या है, ये एक कारण है जिसके कारण चिराग पासवान जी ने ये बात कही थी, लेकिन हम उसी के साथ हैं जो देश की बात करेगा, राज्य की बात करेगा और जमात की बात करेगा। ठीक है, बोलिए बोलिए आदिल जी, बोलिए काउंटर की। सुकन्या जी हमने सवाल नहीं उठा, हम लोग यही रामविलास जी ने गोधरा के मुद्दे पर मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाई थी, यही रामविलास जी ने मोदी का अटल जी के कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, यही रामविलास जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की थी, लेकिन उनके पुत्र महोदय उनके नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं, वो दिल में मोदी जी को रख रहे हैं और बोल रहे हैं मैं हनुमान हूं। तो पिताजी ने मोदी जी के खिलाफ किया था लेकिन पुत्र महोदय सत्ता के लोभ के चलते वो मोदी जी के साथ है, ये मेरा कहना। रामविलास जी की इंटीग्रिटी पे मैं सवाल नहीं, अभी भी रामविलास जी की इज्जत करता हूं, बिहार में अगर सबसे विकासशील नेता कोई रहा है तो उसका नाम रामविलास पासवान जी है, लेकिन ये अहंकार की वजह या क्या वजह रही जो चिराग पासवान आज अकेले दर दर घूम रहे हैं, कभी बीजेपी जाना पड़ता है, कभी नीतीश जी के जाना पड़ता है, कभी अकेले जाना पड़ता है, ये परिस्थिति उनके अहंकार के चलते, उनके खुद चाचा अपने चाचा ने ये इल्जाम लगाया, उनके अपने चाचा उनके खुद जिस चाचा ने गोदी लिया उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि चिराग पासवान अहंकार में डूबे हुए हैं, उनके चाचा से ज्यादा मैं नहीं जान सकता हूं, ना आप जान सकते हैं ना विनीत भाई जान सकते हैं। और हम पूरे बिहार में एक बार लोकसभा में लड़ेंगे। चलिए ठीक है ठीक है, तो बहुत सारे आरोप विनीत जी लगा AIMIM की तरफ से, और विनीत जी 2-3 बातें मोटी मोटी जो है AIMIM ने आप पर
कही है, एक दो बातें कही कि एक विचारधारा थी रामविलास पासवान की, उससे अलग दिखाई देती है चिराग पासवान की। रामविलास पासवान जहां आप देखा जाए तो थोड़ा बीजेपी के अगेंस्ट थे, लेकिन चिराग की सियासत जो है शुरू से बीजेपी के पक्ष की रही है 2013-14 की अगर हम बात करें, तो क्या कुछ उस पर कहना चाहेंगे आप? सुकन्या जी, हमारी पार्टी कभी भी बीजेपी के विरोध में नहीं रही है। मैंने फिर से कहूंगा कि गोधरा राइट जो हुआ था उसमें हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी पूरी तरह कन्विंस नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो पद छोड़ा। इसके बाद से 2014 की बात कर लें भाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, उसके लिए अपनी जो महत्वाकांक्षा है उतनी बड़ी नहीं होती है राष्ट्रहित के सामने। चिराग पासवान जी हम बीजेपी के साथ पहले इसलिए थे कि मोदी जी ने, हमारे संस्थापक जब बीमार थे, जब उनके भाई जिनका ये नाम ले रहे हैं पशुपति कुमार पारस, ओम मिलने नहीं जाते थे, तो मोदी जी सुबह शाम फोन करके पूछते थे। तो क्या ये ऑब्लिगेशन आदमी भूल जाएगा? ये जो एक प्रेम है ये भूल जाएगा? उसके मद्देनजर ये बात कही गई थी। अब बात आते हैं नीतीश कुमार जी पे। नीतीश कुमार जी 2017 में छोड़ के महागठबंधन जो बीजेपी में आए थे उस समय भी हमने अपोज किया था कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हर बार पलटने का काम करता है। और हमसे ज्यादा जस्टिफाइड विपक्ष कौन रहा होगा जो कि नीतीश कुमार के हर गलत नीति का विरोध किया है? हमने तो कभी नहीं सुना है कि आदिल भाई की पार्टी कभी मुखर होकर कभी आई है। और आज भी हम कहते हैं कि नीतीश कुमार की एक खासियत है कि वो एक लाइन से सबसे सवाल पूछते हैं। ये खासियत मुझे AIMM की बड़ी पसंद है, और इसमें मैं आपसे विनीत जी डिसएग्री करूंगी कि देखिए आप डिबेट में भी देखिए वो एक लाइन से आप पर भी निशाना साधेंगे, बीजेपी पर भी, सब पर भी निशाना साधते हैं। बोलिए आदिल जी, बोलिए। मैम आप ही नीतीश जी के सहयोग से राज्यसभा रामविलास जी गए थे क्या 2019 के बाद? नहीं गए थे, आप खुद बतलाइए। नीतीश जी जाकर विधानसभा में जब नॉमिनेशन हुआ था साथ में थे। 2019 में जब अमित शाह जी के घर पर जब हुआ था, भूपेंद्र यादव जी, चिराग पासवान जी, रामविलास जी, नीतीश जी सब, तो कहां नीतीश जी को इन्होंने विराज किया? मेरा सुरक्षा दिलवा दीजिए। मैम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, मेरे नेता को सुरक्षा दिला दीजिए, नहीं तो हम लोग सबसे ज्यादा टारगेट है। हम बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे और आरजेडी के खिलाफ भी बोलेंगे। विज्ञान जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि अभी फिलहाल अगर बिहार की सियासत की हम बातचीत करें तो क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी को सिक्योरिटी तो मिल गई, मतलब हम ये समझे कि मुकेश सहनी ने बीजेपी का दरवाजा अभी अपने लिए खुला रखा है या बंद है, बस ये बता दीजिए। मुकेश सहनी जी, राजनीति में किसी का दरवाजा बंद, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है, दरवाजा हर समय खुला रहता है। देश के लिए और मास के लिए, सुबह के लिए यदि कोई बात करना हो तो निश्चित तौर पर दरवाजा पार्टी के लिए ही नहीं, व्यक्ति के लिए भी खुला रहता है और पार्टी के लिए भी खुला रहता है। आप देखे हैं कि जो ही अब जातीय के बारे में लोग बता रहे थे, अभी आपने देखा कुढ़नी में उन्होंने सवर्णों से टिकट दिया था नीलाम जी को, इससे पहले का जरा सा इतिहास देखिए। मुकेश सहनी को जो टिकट बांटने का मौका मिला था, अलायंस में मिला था, कितना सवर्णों को टिकट दिया था और कितना अति पिछड़ा को दिया था, जीत के भी आए थे, चार व्यक्ति जीत के आए थे, दो सवर्ण जीत के आए थे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में किसी जाति, किसी पार्टी, किसी धर्म के लिए VIP का यानी मुकेश सहनी जी का दरवाजा बंद होने वाला नहीं है। राजनीति में दरवाजा बंद करने वाले लोग निर्मोही कहे जाते। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो बड़ी अच्छी चर्चा हुई, और चर्चा में शामिल होने के लिए विनीत जी LJPR की तरफ से आपका शुक्रिया। विज्ञान स्वरूप जी VIP की तरफ से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी के साथ साथ हमारे साथ AIMIM पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़े थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक भी बड़ी संख्या में इस दरमियान हमारी लाइव चर्चा को देख रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश सबसे यही कि बिहार तक लगातार बिहार की खबरें दिखाता रहता है, आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।